ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम ये जानते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का पदम गुना फल हमें मिलना ही है। जो ईश्वरीय कार्यों में सहयोगी बन गए, जो यज्ञ सेवा में तत्पर हैं, जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, उनको उनका फल बहुत मिलेगा ही। लेकिन यदि हमारी इच्छा रहती है कि तत्काल फल मिल जाए, मतलब हमारा नाम हो जाए, हमें बहुत मान मिले, हमें इस कर्म के बदले में ये सेलिब्रेशन मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, तो इसको कहेंगे कच्चा फल खाना। वास्तव में कच्चा फल तो नुकसान ही करता है। हमें प्रत्यक्ष फल अवश्य प्राप्त करना चाहिए, और प्रत्यक्ष फल है अतिंद्रिय सुख। प्रत्यक्ष फल है बहुत सूक्ष्म अंतर की गहराई की संतुष्टता। तो हम कच्चा फल न खाएं, कर्म करके प्रभु अर्पण कर दिया करें, और ज्यादा फल मिलेगा। क्योंकि अगर मान शान की हमारी इच्छा रहती है तो ये इच्छा हमें अच्छे कर्म नहीं करने देती, ये कामना हमें कमजोर करती है। और कहीं कहीं अगर ये हमारी कामना पूरी भी हो जाए तो ये कामना मनुष्य के अभिमान को बढ़ा देती है, उसके मैपन में वृद्धि कर देती है। हम इनसे बचेंगे और ये ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर बात, जो इस नाम मान शान की कामना से न्यारे हो जाते हैं, सारा संसार उन्हें मान देगा। जैसे मंदिरों में इस देव देवियों को मान देने के लिए भक्त लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, वैसे ही जो मान शान की कामना से परे हो जाएंगे, वो अधिकारी बन जाएंगे सच्चे दिल के मान को प्राप्त करने के। सारा संसार बाहर से नहीं, उन्हें खुश करने के लिए नहीं, लेकिन उन्हें मान देकर भी अपने को गौरवान्वित अनुभव करेगा। तो आइए हम ऐसे कच्चे फल का त्याग करें, पुण्य कर्म निष्काम भाव से करते चलें, तृप्त होकर करते चलें, इस फीलिंग से करते चलें कि जो ये महान कार्य करने की योग्यता या शक्ति हमें मिली है, ये परमात्म देन है। इस परमात्म देन में हम कभी मैंपन ना आने दें। अगर परमात्म देन देन में मैंपन आ जाता है तो इससे हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। भूल से भी हमें ये मैंपन नहीं आने देना है, अन्यथा याद रखेंगे बाबा के महावाक्य, मेरापन आना माना खजानों को गंवाना। क्योंकि मैंपन आने से दूसरे लोग अवश्य ऐसा समझ जाते हैं और उनकी ओर से एक अच्छी दृष्टि नहीं मिल पाती है। तो हम कर्म करने की ऐसी कला को डेवलप करें कि हमारा हर कर्म निष्काम भाव को लेकर हो रहा हो। जैसे हम कर्म विश्व कल्याण के लिए करते हैं, जैसे बाबा विश्व का कल्याण करते हैं और उसके रिटर्न में उन्हें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। वो ये भी नहीं चाहते कि बच्चे मेरा सम्मान करें, मेरी महिमा करें। ठीक वैसे ही हमें भी फॉलो करना है और ये फीलिंग बढ़ा देनी है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे हर कर्म निष्काम भाव से करना है बाबा की तरह, बस महान कर्म करते चलें, दूसरों को मदद करते चलें और बदले में लेने की कोई भी कामना न रहे। सूक्ष्म रूप से चेक कर लें, हमें देने की वृत्ति है या लेने की सूक्ष्म इच्छा रहती है, चाहे स्थूल चीजें चाहे सूक्ष्म ये बातें। हम तो दाता हैं, दाता के बच्चे हैं, देते चलें, हमारे भंडारे भरपूर रहेंगे। तो आज सारा दिन
हम स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, रचयिता हूँ और दाता हूँ। और अभ्यास करते रहेंगे कि बाबा की शक्तियों की किरणें एक फाउंटेन के रूप में मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं, जैसे कि शक्तियों के फाउंटेन के नीचे हम स्नान कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।